नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष चपराना आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में एनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लेटर एनोलॉजी। पहला क्वेश्चन है कि भाई ए का एफ से क्या संबंध है, वही संबंध हमें एन से निकालना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ए और एफ के बीच में कितने का अंतर है, बी सी डी ई एफ, यानी कि यहाँ पे पांच ऐड कर दिया है। ए में पांच ऐड कर दिया है तो क्या आया, एफ। तो देखते हैं कि एन में भी पांच ऐड कर कर ओ पी क्यू आर एस, अगर यहाँ पे वो पांच ऐड करेगा तो क्या आएगा, एस। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y का स्क्वायर बराबर है चार, y के स्क्वायर का जो चार से संबंध है वही हमें v के स्क्वायर का निकालना है। देखो y जो होता है, अगर हम रिवर्स में चलें पीछे की तरफ, जैसे z होता है पीछे से एक, तो y पीछे से क्या होता है, दो। ठीक है, तो दो का स्क्वायर कितना है जी, चार। उसी प्रकार से v रिवर्स में कितना होता है जी, पांच। अगर हम v को उल्टा लिखें तो उसका क्या अर्थ क्या होगा, पांच, और पांच का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम ए बी सी डी को लिखते हैं, ठीक, अगर वर्णमाला हम लिखते हैं तो इसका मतलब एक है, इसका दो है, इसका तीन है, इसका चार है, उसी प्रकार से एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब होना चाहिए था 24, इसका मतलब होना चाहिए था 25, इसका मतलब होना चाहिए था 26। परंतु अगर इनको वो उल्टा जोड़ेगा तो ये होगा एक, ये दो, ये तीन, ये कितना होगा, 26, और ये 25। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बी रेशो 16। अब हमें पता है कि भाई बी होता है दो, ठीक है, और दो की पावर चार कितना होता है, 16। उसी प्रकार से डी कितना होता है, चार, तो चार की पावर चार कितना होगा जी, 256। चार की पावर चार कितना होगा, 256, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एम डी का जो एन ई से संबंध है वही हमें आई के का निकालना है, तो एम एन यानी कि प्लस वन, डी ई यानी कि प्लस वन। तो आई में अगर मैं एक जोड़ूंगा, आई जे, ठीक है, जे, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन है क्योंकि और किसी में जे है नहीं, और के एल, ठीक है, के एल यानी कि जे और एल हमारा आंसर है। के में भी एक जोड़ दिया भाई, प्लस वन। फिर से देखो, एम से अगर हम ओ को लाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि भाई एम से अगर हम ओ को लाएंगे, एम एन ओ यानी कि प्लस, ठीक है, और n से आप अगर l को लाओगे, l m n यानी कि -2, तो +2 और -2 का संबंध है। उसी प्रकार से अगर आप s में दो जोड़ोगे, s t u, ठीक है, तो u तो इसमें भी है, इसमें भी है। उसी प्रकार से हम h में से अब दो घटाएंगे भैया, ठीक है, h में से दो माइनस करेंगे तो f g h, ठीक है, तो क्या आएगा जी, f, तो यू एफ हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है, बी का मतलब है ई, कितना जोड़ दिया, सी डी ई यानी कि +3। पी का मतलब क्या है, एस, पी क्यू आर एस यानी कि +3, ठीक है। एन में अगर हम तीन जोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू, एन में अगर आप तीन जोड़ोगे, एन में आप तीन ऐड करोगे तो ओ पी क्यू। उसी प्रकार से आप टी में तीन जोड़ोगे तो क्या आएगा, डब्लू, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पी का मतलब वी है और एस का मतलब क्या है, वाई। तो P से V लाने के लिए कितना ऐड करा है, बहुत आसान है, P Q R S T U V यानी कि +6। S से Y लाने के लिए कितना ऐड करा है, S
TUVWXY, यानी कि प्लस 6। तो F में भी हम 6 ऐड कर देंगे भैया, और I में भी 6 ऐड कर देंगे, तो F GHIJKL, यानी कि L आया, और L तो केवल C ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बी का मतलब जे है। अब मैं देख पा रहा हूं कि भाई बी का मतलब जे है, तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तो क्यों ना हम बी से एफ को ले लें। तो बी सी डी ई एफ, यानी कि प्लस 4, और एच से एल के लिए एच आई जे के एल प्लस 4। ठीक है कि भाई बी में हम 4 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, उसी प्रकार से एच में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल। ठीक है, तो जे में भी आपको 4 ऐड करना पड़ेगा और पी में भी आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, तो जे के एल एम एन। ठीक है, तो एन तो भैया यहां भी है और यहां भी है, तो यानी कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब पी में मैं 4 ऐड करूंगा, पी क्यू आर एस टी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाइयों। अगला क्वेश्चन, डी ई, डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, तो 4 पंजे 20, और 20 का आधा कितना होता है जी, 10। ठीक है, उसी प्रकार से एच का कोड होता है 8 और आई का कोड होता है 9, तो 9 8 72, और 72 का आधा कितना होता है जी, 36, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा वही रिपीट हो गया, एक सेकेंड। ठीक है चलो, पेन का मतलब है TDM। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, CPU में पूछा गया था 2017 में, तो हम देखते हैं कि भाई इन दोनों में क्या संबंध है। जैसे कि मैंने देखा कि भाई P से T का बाय होएगा, P Q R S T, यानी कि प्लस 4। A से D का बाय आएगा भाई, ए बी सी डी, यानी कि प्लस 3, और एन से एम कब आएगा, यानी कि -1। ठीक है, तो हमें यही संबंध निकालना है, यानी कि +4 +3 और -1। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा हम। ठीक है, एच आई जे के, ये तो +3 है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, एस टी यू वी डब्ल्यू +4। ठीक है, अब की बार हमें देखना +3, तो आई जे के एल, यानी कि भाई +3। ठीक है जी, और पी में से हम एक घटाएंगे तो ओ आना चाहिए, पी में से हम एक घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, ओ। ठीक है, तो पी में अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, ओ, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्लियर है, बाकी सभी गलत होंगे, नहीं तो आप चेक कर लो कि भाई जी में अगर हम 4 जोड़ें तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो जी एच आई जे के। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, आई जे के एल एम, यानी कि ये भी +4 है, इसलिए गलत है, +3 होना चाहिए था। एम से हमने पी को देखा, एम एन ओ पी, यानी कि ये तो +3 है, होना क्या चाहिए था भाई, पहले का डिफरेंस कितना है, +4 था, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, ए बी सी का संबंध है ई एक्स आई से। ठीक है, ए बी सी अनुपात, ई एक्स आई समान अनुपात, एन ओ एस अनुपात क्या। तो भाई ए से मैंने ई का संबंध देखा सबसे पहले, उसके बाद में बी से एक्स का, और सी से किसका, आई का, ए बी सी डी ई। ठीक है, यानी कि +4, बी से क्या है हमारा, एक्स है, तो एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि -4, क्योंकि बी में से अगर हम 4 घटाएंगे, थोड़ा मैं सही लिख लेता हूं इसको, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं इनको आमने सामने रखूं, अरे क्या हो गया इसमें, चलो अब ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ई एक्स आई, और हमको संबंध निकालना था एन ओ एस। ठीक है,
तो एम में कितना ऐड करा मैंने, ए बी सी डी ई, यानी कि प्लस 4। बी को कितना घटाया मैंने, एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि माइनस 4। सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि प्लस 6। ठीक है, प्लस 6। तो एन में हमें 4 जोड़ना था, एन ओ पी क्यू आर, तो क्या आएगा भैया, आर आएगा। प्लस चार करके क्या आएगा, आर, यानी कि ऑप्शन भी हमारा आंसर है, और कुछ हमको देखने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी, ठीक है, ए का मतलब एफ है, तो ए बी सी डी ई एफ, यानी कि प्लस 5। ठीक है, बी का मतलब क्या है, बी का भी मतलब एफ है, तो सी डी ई एफ, यानी कि प्लस 4। और भैया सी का भी मतलब एफ है, तो डी ई एफ, यानी कि प्लस 3। तो डिफरेंस जो है प्लस 5 का, प्लस 4 का और प्लस 3 का, तो एम में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद में डी में हमको, वैसे आर के अभी 3 ऑप्शन है, डी में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, तो डी ई एफ जी एच, यानी भैया एच आया। और पी में हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, आर एच एस, आर एच एस, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है, चलो एम एन, यानी कि प्लस 1। ठीक है, बी सी, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता भाई, बी से भी अगर हम एक ऐड करेंगे तो बी सी। उसके बाद में ए से आया वाई, तो जेड ए, यानी कि माइनस 2, माइनस 2, तो ओ में से आपको 2 घटाना है। ठीक है, तो ओ में से अगर आप 2 घटाओगे, ओ में से आप 2 माइनस करोगे, तो क्या आएगा, एम एन ओ। ठीक है, तो क्या आएगा भैया, एम आएगा, और इसी से हमारा आंसर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एन है, यहाँ एम है, अगर आप ओ में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, एम। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, बी से आया के, बी सॉरी बी से आया डी, ठीक है, बी से आया डी, तो बी सी डी, यानी कि प्लस 2। के से आया एन, के से आया एन, तो के एल एम एन, यानी कि प्लस 3। पी से क्या आया, आर, पी क्यू आर, यानी कि प्लस 2। ठीक है, जी एच आई जे, यानी कि प्लस 3, जी एच आई जे। तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो सी में हमने 2 ऐड कर दिया, तो सी डी ई, यानी कि भैया ई आ गया। ठीक है, उसके बाद में एम में हमने 3 ऐड कर दिया, एन ओ पी, तो क्या आया जी, पी ई पी ई पी ई पी, तो यहाँ पे ई पी है, तो हमको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन का मतलब ओ है, एन ओ, तो ए का मतलब क्या है, बी, ए का मतलब क्या है, बी, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब एन का मतलब ओ है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, प्लस 1, तो ए का मतलब क्या है, बी। चलो आगे चलते हैं, पी क्यू, तो जे के, ठीक है, बी के, बी के, अब बी के तो केवल इसी में है, बी के तो केवल इसी में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। देखिए, डी सी बी ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डी का कोड होता है 4, ठीक है, सी का कोड होता है 3, बी का कोड होता है 2 और ए का कोड होता है 1। उसी प्रकार से अगर हम रिवर्स में चेक करेंगे, ठीक है, जेड की तरफ से चेक करेंगे, तो डब्ल्यू का कोड होता है 4, एक्स का 3, ठीक है, वाई का 2 और जेड का कितना, 1, यानी इसके बिल्कुल ये उल्टे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से I का कोड होएगा 9, 10, K का है 11 और L का क्या है 12। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई इनके उल्टे कौन कौन हैं। ठीक है, I का उल्टा तो है R, ठीक है, यानी कि 9। ठीक है, J का उल्टा है Q, यानी कि 10, K का उल्टा है, यानी कि P, 11 और L का उल्टा क्या है, ये 12।
ऑप्शन सी ठीक है। तो आई जे के एल के जो विपरीत है वो है आर क्यू पी ओ ठीक है। चलो देखो भाई ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2015। हमको केवल ये देखना था कि ए और सी में कितने का डिफरेंस है, ए बी सी यानी कि +2, सी डी ई यानी कि +2, या ये बोल सकते हैं कि भाई अल्टरनेटिवली आ रहे हैं ये ई एफ जी यानी कि +2 ठीक है। तो +2 2 तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी एच यानी कि ये तो लगातार है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। बी सी डी यहाँ बिल्कुल सही है, डी ई यहाँ पे गलत है भाई ठीक है, क्योंकि +2 होना चाहिए था। आई जे भाई ये भी गलत है क्योंकि +1 है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ओ पी क्यू यानी कि +2 ठीक है, क्यू आर एस +2 और एस टी यू +2, क्लियर है। चले आगे, चलो भाई ए बी डी ई का मतलब है पी क्यू एस टी ठीक है। तो एम एन पी क्यू का मतलब क्या है, देखो जी मैंने केवल ये देखा ए बी लगातार है, एक अक्षर यानी सी को यहां पर छोड़ दिया, डी ई लगातार है ठीक है, क्योंकि मैंने देखा भी ए और पी में तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो देखते हैं कि अगर बिगर डिफरेंस के हम देख पाते हैं कि भाई पी क्यू आर को छोड़ दिया एस टी, एम एन ओ को छोड़ दिया पी क्यू, उसी प्रकार से ई एफ जी एच आई इसका चांस है ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यहां क्या आना चाहिए था वाई, तो इसलिए ये गलत है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता ठीक है। आई जे के बिल्कुल सही है, एल एम यहां क्या आना चाहिए था एम, अगर ये तीनों गलत हैं तो ये बिल्कुल सही है ठीक है। देखो भाई ई एफ लगातार है, बीच में उसने जी छोड़ दिया एच आई, और यही क्रम हमको देखना था, क्लियर है। चलो चलो तो बी ए डी सी अनुपात एक्स डब्ल्यू जेड वाई समान अनुपात क्यू पी एस आर ठीक है। तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी ए डी सी ठीक है, और इसके सामने हमने रख लिया एक्स डब्ल्यू जेड वाई, तो बोल सकते हैं कि भाई बी का विपरीत है जेड, ए का विपरीत है सॉरी बी का विपरीत है वाई, ए का विपरीत है जेड, डी का विपरीत है डब्ल्यू और सी का विपरीत है एक्स ठीक है। उसी प्रकार से क्यू पी एस आर का हम विपरीत कर सकते हैं, या फिर देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पे ठीक है, जैसे कि मैंने देखा भाई बी में से एक माइनस करा तो एक ठीक है, भाई बी में से एक माइनस करा तो क्या आया ए आया, उसी प्रकार से डी में से एक माइनस करा क्या आया सी ठीक है, एक्स में से अगर एक माइनस करा तो क्या आया डब्ल्यू, जेड में से एक माइनस करा क्या आया वाई, यहां भी ऐसे ही है कि भाई क्यू में से एक माइनस करा पी ठीक है, और एस में से एक माइनस करा आर ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं, आजकल ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो टी में से एक माइनस करा टी यू, ये तो +1 है ठीक है, यानी ये गलत है। एल एम ओ पी भाई ये भी गलत है ठीक है, एल में एल एम यानी कि ये +1 है, -1 होना चाहिए। जी एच ये भी +1 है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर तो हमारा ये है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई एन एन में से एक माइनस करूंगा तो एम आएगा, और पी में से एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा ओ, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलो जी ए सी एम ई एम ए सी ई बहुत आसान है कि भी ए सी एम ई का मतलब है एम ए सी ई, उसी प्रकार से ए एल जी ए ठीक है, ए एल जी ए। तो भाई देखो ए ठीक है, तो ए यहाँ गया, सी एल यहाँ गया जी ठीक है, एम यहाँ गया तो जी यहाँ गया, और भैया ये रिपीट हुआ है तो ए यहाँ गया, तो हमारा आंसर है
GALA, गाला, ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ड्राइव का मतलब है EIDRV, अभी तो कराया था, ठीक है। देखो ऐसा ही सवाल है ये, अब की बार इधर कर देता हूं इसे मैं। देखिए ड्राइव यानी कि DRIVE, EIDRV, और हमें मतलब किसका निकालना है। चलो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, हमको मतलब निकालना है भैया BEGUM। तो भाई देखो डी यहाँ गया, उसी प्रकार से बी यहाँ आ गया भाई, ठीक है। तो आर कहाँ गया यानी कि नंबर चार पे, तो उसी प्रकार से ई को हम यहाँ ले आए, ठीक है। फिर भैया जो तीसरा था वो हो गया दूसरा, ठीक है। तो जी यहाँ आ गया भाई, ठीक है। ये पहले पे, तो बोल सकते हैं ये पहले पे यानी एम, ठीक है। वी यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर हो गया MZBEV, MZBEV, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी, यू नहीं है ये, यहाँ पे यू है, हाँ बिल्कुल यू है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। चलो भाई देखिए, अब रस्ट का मतलब है 9687, तो TSUR। तो बस हमें कोड देखने थे कि भाई आर का कोड क्या है, ठीक है। आर का कोड क्या है, अरे क्या हो गया भाई, ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं। हमें सिर्फ ये देखना था कि भाई आर का कोड क्या है, 9 है, तो उसी प्रकार से आर का कोड क्या होगा, 9, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यू का मतलब क्या है, 6। ये सीधा देखो, शुरू में आप टी का देखिए, टी का क्या है, 7 है, तो टी का 7 होएगा, ठीक है। उसके बाद में एस का कितना है, 8 है, तो 7878, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से हमारा आंसर है। यू का कितना है, यू का 6 है, तो यानी कि 786, 786, यानी कि ये हमारा आंसर है 786, क्लियर है। चलो लॉकर का मतलब ये है, तो लिफ्ट का मतलब क्या है, ठीक है। SSCCGL 2016। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एल, तो देखो एल से अगर मैं देखूं प्रीवियस अक्षर क्या है, के है, उसी प्रकार से एल से नेक्स्ट क्या है, एम, ठीक है। तो जो एल था उससे एक प्रीवियस लिया और एक नेक्स्ट लिया, तो यहां पे भी एल से एक तो पहला क्या होएगा, के होएगा, और बाद में क्या होएगा, एम, तो के एम, ठीक है। तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ठीक है भाई। एल से एक पहले का अक्षर और एक बाद का अक्षर, ठीक है। ई से एक पहले का अक्षर क्या होएगा, ई से पहले का अक्षर होएगा डी, और बाद का अक्षर क्या होएगा, एफ, यानी कि के एम डी एफ, के एम डी एफ, यानी कि ये हमारा आंसर है, के एम डी एफ। तो के एम डी एफ तो भाई इसमें भी है अभी, ठीक है, इसमें भी है, यानी कि हमें आगे जाना पड़ेगा। तो एफ से पहले का अक्षर क्या होएगा, एफ से पहले का अक्षर ई और बाद का अक्षर जी, तो के एम डी एफ ई जी, ई जी, ई जी, अभी भी वो उसमें भी है, ठीक है। तो टी से पहले का अक्षर, टी से, तो टी से पहले का अक्षर क्या होएगा, एस, और बाद का अक्षर क्या होएगा, यू, यानी कि आंसर हमारा यही है। एक बार फिर से देखिए, ठीक है, फिर से देखिए कि मेरे कहने का मतलब ये था कि जो एल है, एल से पहले वाला जो अक्षर है वो के है, और बाद वाला अक्षर क्या है, एम। तो यहाँ भी एल से पहले का अक्षर के हो गया और बाद वाला अक्षर क्या हो गया, एम। ई से पहले का जो अक्षर है वो डी है और बाद वाला अक्षर क्या है, एफ। एफ से पहले का अक्षर ई है, ठीक है, और बाद वाला क्या है, जी। टी से पहले का अक्षर क्या है, एस, और बाद वाला अक्षर क्या है, यू। तो के एम डी एफ ई जी एस यू, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलो एजुकेशन का मतलब है ये, ठीक है।
इसको देखो बस उल्टा कर दिया उसने, ठीक है। एजुकेशन का मतलब है NOITACUDE, तो इंटेलिजेंस को भी आप उल्टा कर दो, तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो यानी कि ECNEG, ठीक है, ILL, ETNI, ठीक है। देख लेते हैं अभी कौन सा ऑप्शन है। ECNE, ठीक है, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से ECNE, ठीक है। उसके बाद GB मैच हो रहा है, GIL, ठीक है, LLL के बाद में यहाँ हमें देखना है, यानी कि पीछे से हमें कौन सा अक्षर देखना है, पीछे से नहीं, पीछे से हमें चौथा अक्षर देखना है, ठीक है। या देखो बाद का देख लो आप, सिर्फ बाद का क्या हमारा आई है, तो यानी कि ये है, ठीक है। बाद का क्या है, आई, तो बाद का इसमें क्या है, एन है, ठीक है भाई, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। चलो एक बार फिर से देख लो, चलो इस क्वेश्चन को। मेरे कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन को उल्टा करके लिख दिया है कि NOIT, ठीक है, ACUDE, तो जब इसको उल्टा करके लिखेगा तो भी सबसे शुरू में क्या आएगा, ई, ठीक है, उसके बाद में सी, फिर एन, इसी प्रकार से आई सबसे बाद में आएगा, आई सबसे बाद में आएगा, तो भाई आई तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, और आई इसमें भी नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन या तो बी है या सी है, ठीक है, ECN, ठीक है। उसके बाद में ECNEGIL, ठीक है, LLET, ठीक है, NI, ठीक है। तो हमें देखना था कि पीछे की तरफ से INT, यानी कि ये गलत है, ठीक है, INTELLIGENCE, ठीक है, ये परफेक्ट है। चलो रिपीट हो गया, चलो नेक्स्ट था भाई, 24 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास ये यहीं पे समाप्त करते हैं, तो एनोलॉजी में आज ये पहली क्लास थी, बहुत जल्दी मैं आपको दूसरी वीडियो दूंगा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए, लगातार वीडियो को देखिए और भाई अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, बाय।